साथ में अशोक छाबड़ा हमारे बहुत पुराने साथी हिंदुस्तान टाइम्स को देख रहे हैं। जगत क्रांति आपने जींद से शुरू की, मोहनलाल जी बड़ोली आप राई से विधायक हैं बीजेपी के, और सोनीपत जिला भाजपा के आप अध्यक्ष हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश जी श्यामड़ी गांव के पहले आप सरपंच रहे जो इस बड़ौदा चुनाव में है, और बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। लठवाल जी हमारे बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। आपका गांव इसी मुड़लाना गांव बड़ा गांव है, हाँ उस गांव के रहने वाले हैं। ओम प्रकाश जी पहल आप जींद जिला बीजेपी के अध्यक्ष रहे और अनेक जिम्मेदारियों पर आपने काम किया है। चुनाव है, चुनाव में योगेश्वर दत्त जिसने भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आया 2014, पूरे हरियाणा ने खुशी मनाई और योगेश्वर दत्त ने जब गोल्ड मेडल के लिए 65 किलो के और कुश्ती को जीता तो सबसे पहले तिरंगे को अपने शरीर से लपेट करके तिरंगे को लहराया पूरे हिंदुस्तान में। वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ौदा में हमारा उम्मीदवार है। ये हरियाणा खेल और खिलाड़ी की धरती है। साक्षी मलिक गोल्ड मेडल लेके आई मोखरा गांव की, मैं मंत्री के नाते उनके स्वागत में 2 करोड़ का चेक उस समय देके आया था। गीता फोगाट लेके आई, बबीता फोगाट लेके आई। ये हरियाणा में केवल लड़के नहीं लड़कियां भी हमारी कमाल करती हैं, हमको इन बेटे बेटियों पर नाज है। पर चुनाव एक ऐसी एक प्रक्रिया है, कांग्रेस से भाषा भूल जाती है। हर आदमी ये रहता है कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूं, मेरा बेटा ही रहे, मेरा परिवार ही रहे। बड़ौदा में चुनाव क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण जी हुड्डा मेरे साथ एमएलए रहे, उन्होंने कलोई में उनका गांव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अपनी पैतृक सीट से त्याग पत्र दिया और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वहां से चुनाव लड़ाए। फिर श्री किशन जी यहां से चुनाव लड़े। बड़ी दुख की बात है कि वो नहीं रहे, उनके निधन से ये सीट खाली हुई, ये चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में योगेश्वर दत्त को, योगेश्वर दत्त डीएसपी लगे हुए थे, हरियाणा सरकार में मनोहर लाल जी के समय से हमने एक कार्यक्रम बनाया कि खेल को खिलाड़ी को पहले 2 करोड़ फिर 5 करोड़ रुपया हमने दिया, और किसी को डीएसपी, अब बबीता बेटी को अभी भी हमने एक चेयरपर्सन बनाया। योगेश्वर दत्त ने डीएसपी की नौकरी को छोड़ करके पार्टी के आदेश की पालना की, 19 में हमारा उम्मीदवार था। ये कांग्रेस का आपस का खेल है, ये लड़ाई बड़ौदा की नहीं है, ये लड़ाई हरियाणा में। अब बहन शैलजा यहां कांग्रेस की अध्यक्ष है, वो राज्यसभा की सदस्य थी, आप तो दीपक जानते हो, उनको हटा के अपना पुत्र बना दिया राज्यसभा का सदस्य, और अब तो वो उम्मीदवार भी कहते हैं कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। और योगेश्वर दत्त जो हरियाणा की शान है, जो भारत की शान है, खेल खिलाड़ी सैनिक और शहीद
ये पूरे देश के होते हैं, उनके बारे में छोटी भाषा बोलना ये शोभा नहीं देता। कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया? कमलनाथ जब मुख्यमंत्री होते हैं तब तो इमरती देवी उनके मंत्रिमंडल में मंत्री होती है, और जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, और जब वो बीजेपी की उम्मीदवार हो जाती है तो क्या बोलते हैं? अरे नवरात्र का त्योहार है, नवरात्र के दिनों में हम अपनी बेटी का, अपनी बहन का, अपनी माँ का 9 रूपों में, शैलपुत्री के रूप में, ब्रह्मचारिणी के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, आज कुष्मांडा के रूप में, कात्यायनी के रूप में, कालरात्रि के रूप में, गौरी के रूप में, या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम भारत के लोग अपनी बेटी की, अपनी बहन की, अपनी माँ की, अपनी दादी की 9 रूपों में हम साल में 2 बार नवरात्र मनाते हैं, पूजा करते हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि थोड़ी अपनी जुबान पर संयम रखें, भारत के संस्कार को ना भूलें। खिलाड़ी का, खेल का, सैनिकों का, जो लोग तिरंगे की शान के लिए अपने जान दे देते हैं, उनके बारे में कम से कम मान सम्मान नहीं करें? चुनाव तो आज है, चुनाव होते रहते हैं, परंतु अपनी मर्यादा में रह करके बात करनी चाहिए। योगेश्वर दत्त, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हिम्मत के साथ हम योगेश्वर दत्त जैसे होनहार का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने पार्टी के कहने से, कार्यकर्ताओं के कहने से अपने डीएसपी के पद को छोड़ करके 38,000 वोट 19 के चुनाव में लिए थे, और इस बार ये सारी टीम बैठी है एक एक गांव में, 54 गांव इस विधानसभा में हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।